हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको इस वीडियो में एसएससी जेई के सीबीटी वन के कट ऑफ के बारे में बताएंगे। इस बार एसएससी जेई में कुल लगभग 7 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, जिसमें कुल लगभग 1600 पोस्टें हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी 300 पोस्टों के लिए कट ऑफ गई थी, 117 जनरल, 110 ओबीसी थी। जो इस बार जो पोस्ट ज़्यादा है इसके अनुसार अगर देखा था एसएससी जेई की कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। तो अब पेपर इस बार जो है ना बहुत कठिन ना बहुत सरल, मीडियम पेपर आया था। तो इस हिसाब से जनरल की जो कट ऑफ है 105 से 110 के बीच में वैरी करेगी। ओबीसी की कट ऑफ जो है 95 से 100 के बीच में वैरी करेगी। एससी की जो कट ऑफ है 90 से 95 के बीच में वैरी करेगी। एसटी की जो कट ऑफ है 85 से 88 के बीच में वैरी करेगी। तो एक बार देखिए कि एसएससी जेई सीबीटी वन की जो कट ऑफ है, अधिक पोस्ट होने के कारण इस बार कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आएगी पिछले बार की अपेक्षा। और ये जो कट ऑफ है जनरल की जो कट ऑफ है 105 से 110 के बीच में वैरी करेगी। ओबीसी की कट ऑफ जो है 95 से 100 के बीच में वैरी करेगी। एससी की जो कट ऑफ है 90 से 95 के बीच में वैरी करेगी। एसटी की जो कट ऑफ है 85 से 88 के बीच में वैरी करेगी, क्योंकि इस बार जो है 7 लाख बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया था। पिछली बार 5,80,000 बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया था। तो उस तरह से अगर देखें तो इस बार बच्चों अधिक ने फिलअप किया है। पेपर भी का स्तर थोड़ा सा बहुत कठिन नहीं था, उसके अनुसार जनरल कट ऑफ पिछले बार की तो अपेक्षा कम ही रहेगी, लेकिन तब भी 105 से 110 के बीच में वैरी करेगी टोटल 200 नंबर में, क्योंकि 1/4 निगेटिव है इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगी। और ओबीसी की कट ऑफ जो है अगर 95 से 100 के बीच में वैरी करेगी। और एससी की जो कट ऑफ है 90 से 95 के बीच में। और एसटी कट ऑफ जो है 85 से 88 के बीच में वैरी करेगी। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल इलाहाबाद स्टडी को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करिए। थैंक यू।